तो हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यार आज के ये वाले व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे, क्योंकि आज हम लोग जाना है ओमकारेश्वर, जिसके लिए हमें निकलना होगा 8:30 बजे। तो अभी फटाफट से मेरे को तैयार भी होना है, पैकिंग भी करनी है, मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं करा है, लेकिन व्लॉग की शुरुआत पहले कर ली है। तो ओमकारेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। वहाँ पर नर्मदा नदी है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। जो लोग MP में रहते हैं उनको तो पता ही होगा, काफ़ी फेमस भी है। और वहाँ पर शिव जी का मंदिर है और वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग मंदिर भी है, मतलब वही मंदिर ज्योतिर्लिंग भी है। जो लोग समझते होंगे उन्होंने पता होगा, मैं अभी तक खैर समझता नहीं, बट हाँ काफ़ी फेमस है। मतलब कहने का मतलब यही है। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है तुम लोगों को भी और मुझे भी। तो यार फटाफट से पैकिंग वैकिंग करते हैं, नहाते और फिर सीधा निकलते हैं ओंकारेश्वर के लिए। ओके, फिलहाल मैं तो रेडी हो चुका हूँ, अभी नीचे जाके देखते हैं। पेरेंट्स रेडी हुए ही नहीं हुए हैं, भैया भी रेडी हो रहे हैं अभी, बस फटाफट से जाते हैं, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, फिर डायरेक्ट निकलते हैं ओंकारेश्वर के लिए। और मैंने वॉच नहीं पहनी, मैं टाइम देख के बताने वाला था बट मैंने वॉच नहीं पहनी। अच्छा याद आई मेरे को वॉच भी पहननी है। और काफ़ी शायद 2.5 या 3 घंटे का रास्ता है, इंदौर से तो काफ़ी पास ही पड़ता है ओंकारेश्वर। बट हाँ, हो गए तैयार? हो गए, हाँ बिल्कुल रेडी हो गए, हम निकलने के लिए तैयार है। बस पापा बहुत लेट कर रहे हैं, मैं तो रेडी हूँ पूरी तरीके से। पापा बोल रहे हैं आपने लेट करवा दिया। हमेशा ही लेट कराते हैं वो, तो सबसे पहले हम तैयार होते हैं। अभी तो 9:30 बज रहे हैं, यहाँ पे बसेस वगैरह और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, शायद मेरी आवाज़ में कुछ दिक्कत आ रही होगी। बट एनीवेज अभी यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं, अब बीच में शायद कोई ब्रेक लेंगे। और अभी नाश्ता वाश्ता हो चुका है, अभी यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट। पहला ब्रेक क्यों लिया है अपन ने अभी? अभी हम यहाँ पर फोटो खिंचाएंगे, ग्रीनरी बहुत अच्छी है और जिसको देखकर सब अच्छा लगता है थोड़ा सा। फोटो भी बहुत अच्छे आते हैं। मौसम सोचा था बारिश होनी चाहिए लेकिन बारिश हुई नहीं, पर ठीक है, थोड़ी ग्रीनरी तो बहुत अच्छी है, बस इसको एंजॉय करते हैं। आइए आपको भी कराते हैं। अभी हमारे साथ दो फ्रेंड्स और हैं, भाभी से मिलिए, भाभी से मिलिए। हाँ, कैसे लग रहा है भाभी? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। अभी एक और फ्रेंड से मिलाते हैं आपको, ये चांदनी। बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग ओमकारेश्वर जा रहे हैं, रास्ते में रेलवे ट्रैक पे रुके हैं अभी। अभी थोड़ा सा फोटो वोटो लेंगे सब, हम लोग फोटो के बहुत शौकीन है इसलिए। ओके, तो अभी पहुंच तो गए हैं लेकिन यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पार्किंग ही नहीं मिल रही है। पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है और देखते हैं आप कहाँ गाड़ी लगती है हमारी, क्योंकि बहुत मुश्किल है, यहाँ लोग लगाने नहीं दे रहे गाड़ी और पार्किंग में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो या तो हमको पैदल जाना पड़ेगा या फिर देखते हैं क्या करते हैं। आज मेरा चैनल जा चुका है, आज मेरे हाथ में नहीं है ये। आज मम्मा के हाथ में। ओके, तो अभी यहाँ पे 2 बजने वाले हैं और जब 9 बजे रुके थे नाश्ता करने के लिए, उसके बाद से अब तक कुछ खाया भी नहीं है और अभी 2 बजने वाले और भीड़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, क्या ही बताऊँ तुम लोग, देखो देखो हम लोग मंदिर के अंदर तो गए ही नहीं हैं, भीड़ इतनी मंदिर के अंदर तो हम गए ही नहीं हैं, बाहर से वापस आ गए। अब बस यहाँ पर थोड़ी देर सोडा वोडा पीने के लिए रुके
क्योंकि कुछ खाया नहीं है तो दिक्कत भी आ रही है, और इसीलिए थोड़ी देर यहाँ पर रुके, उसके बाद जाते हैं। और नदी का व्यू तुम लोगों ने देखा ही होगा, अभी उसी नदी में हम नहाने जाएंगे एंड उसके बाद फिर प्लान लगा तो हम बताते हैं आगे। तो अभी मंदिर से बाहर आ चुके हो, गर्मी इतनी खतरनाक हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आप अगर आए तो खुद का एसी कूलर लेकर आए यहाँ से। आने देना रुक रुक करने ना, तू मिलाने देना, सुन सुन मेरी बात तू तो जाने देना, बीच रास्ते अकेले मैं हूँ तेरे बिना, मैं क्या जानू, we don't know how to calm down। आने देना रुक रुक करने ना, तू मिलाने देना, सुन सुन मेरी बात तू तो जाने देना, बीच रास्ते अकेले मैं हूँ तेरे बिना, मैं क्या जानू, we don't know how to calm down। ओके तो अभी नदी में पहुंच भी चुके हैं, नहाते करते हैं, लेकिन यहाँ नहाते टाइम ब्लॉग थोड़ी करेंगे, सबकी प्राइवेसी वाला भी इशू है। तो हाँ अभी बस नहाते हैं, इन्जॉय करते हैं एंड देन उसके बाद खाना खाने कहीं पर जाएंगे और फिर ओमकारेश्वर से निकलते हैं इंदौर के लिए, शायद उसके बीच में कुछ हो सकता है प्लान, वो देखी जाएगी। अभी गोपाल मिडवे नाम का रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग आए खाना खाने, 5 बजे हम खाना खा रहे हैं। सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, खूब नहाए नहाने के बाद एकदम तेज भूख लगी है। अब बढ़िया सा यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और अब हम यहाँ खाना खाएंगे। हमने सुबह 9:30 बजे के आसपास हम नाश्ता करा था, उसके बाद से कुछ भी नहीं खाया। ओके तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए थे और यहाँ देखो कितनी तेज बारिश चालू हो चुकी है। तो अभी लगभग 1 घंटा हमने यहाँ पे स्पेंड कर दिया इसी रेस्टोरेंट में, खाना खाते खाते फोटो खिंचवाते हुए और पूरा एंजॉय करते हुए। और बारिश के हाल देखो भाई साहब, खतरनाक हो रखे हैं। अभी जाने में मजा आएगा ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। आने देना रुक रुक करने ना, तू मिलाने देना, सुन सुन मेरी बात तू तो जाने देना, बीच रास्ते अकेले मैं हूँ तेरे बिना, मैं क्या जानू, we don't know how to calm down। आने देना रुक रुक करने ना, तू मिलाने देना, सुन सुन मेरी बात तू तो जाने देना, बीच रास्ते अकेले मैं हूँ तेरे बिना, मैं क्या जानू, we don't know how to calm down।